बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल फारवट्टू, हल्का 106, जिला बहावलनगर से। हालिया इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार के हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानी से और मेरे हल्का के आवाम की उनकी सपोर्ट से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और मेरे मुकाबले में पीटीआई का टिकट होल्डर था और उस इलेक्शन के बाद मैंने पीटीआई में ज्वाइनिंग की। खान साहब के साथ मैं शामिल हुआ, न्यू जो नया पाकिस्तान करप्शन मुकाओ प्रोग्राम था, तो उसके तहत शामिल हुआ। लेकिन मुझे मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हलके के मसाइल करप्शन के हवाले से, अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पे लेकर गया कि जो खान साहब ये जो कुछ मैं आप इंक्वायरी करवाएं और ये चीजें आप खुद चेक करें। लेकिन मुझे मैंने महसूस किया कि उस पे मांस वाय नारों के हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। फिर मेरे हल्के के दो प्रोजेक्ट जो सुई गैस और जो लिंक था, जो सी पैक मोटरवे लिंक था, उसके साथ जो है जो मेरी एक मुतालबा था, मैंने उन्हें 12 दफा कहा कि आप जो है ना कि मेरे हल्के को, मेरे जिलों की इसकी जरूरत है, वो आप हमें मेहरबानी करें वो दे। उसको भी सुनवाई नहीं हुई। और हालिया जो आज मैं ये वीडियो एक रिकॉर्ड प्रोग्राम दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि एक टीवी पे और सोशल मीडिया पे एक सोशा छोड़ा जा रहा है कि जब हम अपने नाराजगी का या अपनी पार्टी का हक, ये मेरा एक बुनियादी हक है कि मैं सवाल पूछूं, तो आगे ये इल्जाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्ती तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था।